बरेली में आज एक बार फिर सनसनी फैल गई जब पीडब्ल्यूडी कैंपस के टॉयलेट में एक महिला का नरकंकाल मिला। कंकाल देखकर लग रहा है कि वो कई महीनों पुराना है। वही मामला गंभीर होने की वजह से मौके पर एसएसपी ने जाकर छानबीन की और कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्लास्टिक के कट्टे में नरकंकाल मिलने की सूचना पर खुद एसएसपी मौके पर गए और मुआयना किया। ये नज़ारा है बरेली के पीडब्ल्यूडी कैंपस का, जहाँ आज एक महिला के नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। कंकाल के पास से चूड़ियाँ और एक पर्स बरामद हुआ है। फिलहाल महिला के कंकाल की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस की माने तो कंकाल कई महीनों पुराना बताया जा रहा है। खास बात तो ये रही कि जो कंकाल बरामद हुआ है वो कई महीनों पुराना है, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जिस जगह महिला का कंकाल बरामद हुआ है उस जगह पर पीडब्ल्यूडी के सभी बड़े अधिकारी रहते हैं, लेकिन किसी को महिला के शव के सड़ने की बदबू तक नहीं आई। वहीं पीडब्ल्यूडी में तैनात सुपरवाइजर गोपाल का कहना है कि उसने कंकाल को कल सुबह 11 बजे के लगभग देखा था और अधिकारियों को बताया था, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद पीडब्ल्यूडी के अफसरान ने पुलिस को सूचना दी। इससे विभाग के अफसरों की भूमिका भी सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। आप आए थे यहाँ पे तो क्या, क्या लेने आए थे? चादर लेने आए। क्या क्या देखा आपने? चादर उठाया, फिर भोपाल आए, मैं उन्हें बताया था, मैंने भी दीजिए क्या चाहिए। तो आप यहाँ कर्मचारी भैया? मैसन मिस्त्री पीडब्ल्यूडी मिस्त्री। पीडब्ल्यूडी कैंपस में महिला का कंकाल बरामद होना बड़ी बात है। आखिर ये महिला कौन है, कहाँ रहती थी, क्या उसकी किसी ने निर्ममता से हत्या की है, क्या ये महिला पीडब्ल्यूडी विभाग की ही है? कहीं पर भी इसकी गुमशुदगी दर्ज होना नहीं दिख रहा है। गुजरे दिनों अलीगढ़ की युवती की सुनाई कहानी जैसा मामला तो नहीं है। ये अभी कंकाल मिला है यहाँ पे, ये पीडब्ल्यूडी की कॉलोनी है। पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में एक सरकारी आवास है जो कंडम है, जिसमें कोई रह नहीं रहा है 2005 से अभी तक। ये खंडहर के रूप में है यहाँ पे। इसके टॉयलेट में आज सरकारी कर्मचारी द्वारा ही देखा गया, यहाँ से कुछ चीज़ें लेने के लिए आए थे वो, तो उसमें देखा गया कि कोई कंकाल पड़ा हुआ है। पुलिस को सूचना दी गई, उसको लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हमने, और ऐसा लग रहा है कि 5 या 6 महीने पुराना कोई घटनाक्रम है। उसके बाद किसी को पता नहीं लगा है और ये कंकाल इस तरह कंकाल की स्थिति में आ गया है। हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आसपास जो भी मकान है और आसपास जो भी चीज़ें हैं सर्च कर रहे हैं कि ये कंकाल किसका है और इसके साथ क्या घटना घटित हुई और कैसे इसका मर्डर हुआ है। कंकाल किसका, महिला का है, जेंट्स का, कुछ पता चल सका? अब अभी तक जो मौका जो परिस्थितियाँ दिख रही है उस हिसाब से उसका महिला का हो, पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा कि किसका। इन सभी सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक इस मामले का पर्दाफाश करती है।